हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज मैं आपको कहाँ घुमा रही हूँ, साउथ में घुमाने ले जा रही हूँ। साउथ में कर्नाटका बेंगलुरु, वहाँ के पहाड़, वहाँ का मौसम आपको दिखा रही हूँ। अभी धूप बहुत तेज है, ये देखिए पहाड़। और अभी यहाँ बादल छाए हुए हैं, बारिश के लिए, बारिश होगी। और ये देखिए पहाड़, अभी हर तरफ हरियाली हरियाली है। और ये वाली जगह जो है, ये यहाँ पे पहले था ईंट का भट्टा। ये जो मिट्टी है पूरी रेड कलर की थी पहले, अभी जो ख़त्म हो गई है, तो इसलिए अभी चेंज करके इसको इस तरफ कर दिया है। आप देख सकते हैं ये ईंट का भट्टा लगा के रखा है। अभी मैं वहाँ पे तो नहीं जाऊँगी, अभी बहुत दूर है। ये और यहाँ के पहाड़ है, यहाँ के जो पेड़ है वो आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे कैसे कैसे है। आप देख सकते हैं, अभी कोशिश करूंगी वो जो ऊपर पहाड़ है वहां पे जाने की और आपको कुछ दिखाने की। और ये गांव के बच्चे मेरे साथ यहाँ पे, वो आपको वीडियो दिखा साथ में बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर जाऊंगी। अभी आप वीडियो में यहीं पे करती हूँ और बंद करती हूँ और आगे जाके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ईंट का भट्टा लगा हुआ है, इधर ईंट का भट्टा है इधर। अभी यहाँ शायद रात को बनाया है, दिन को रख दिया बंद करके। और वो ईंटें अभी पैक हो रही है, गाड़ी में इसको डाल रहे हैं। पहाड़ के ऊपर पास में खड़ी हूँ बिल्कुल, ये रोड है। और ये रोड से यहाँ ऊपर की तरफ पहाड़ है, ये देखिए। यहाँ के जो पेड़ है ये यहीं पे होंगे शायद, नॉर्थ साइड में ये पेड़ नहीं होते हैं। ये देखिए ये कांटे हैं, मतलब पत्नी, मतलब यहाँ जो जितने भी पेड़ हैं मैक्सिमम छोटे छोटे, वो सब ऐसे ही हैं। इसका मुझे नाम नहीं पता। आप देख सकते हैं, और ये ऊपर जंगल की तरफ जाने के लिए शायद रास्ता शॉर्टकट। और देखिए ये जो पेड़ है, ये वाला जो है, ये देखिए ये हर जगह यही पेड़ है, ये वाला जो है यही दिख रहा है हर जगह। और तो ये शायद नीम का पेड़ है, ये बड़ा वाला ये। और ये जंगल की तरफ जाएगा, ये वाला रास्ता है, ये वाला। कल यहाँ पे इस जगह पे, वो जहाँ ईंटों का भट्टा है ना, उधर देख रहे हो आप वो वाला, वो ये वाला, तो उधर कल सांप निकला था। सांप नहीं, अजगर, अजगर कम से कम 15 फीट का था। वो वीडियो है मेरे पास, मैं आपको अभी इसमें ऐड कर दूंगी। तो कल मैंने वीडियो बनाई है। अभी यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ये भी शायद ईंटों का भट्टा है। और दूसरी तरफ आ गई मैं ऊपर की तरफ, यहाँ से वीडियो बन रहा है। आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये वाला देखिए सामने है, अभी मैं बहुत दूर आ गई हूँ। ये सिर्फ चिल्लर बच्चे हैं साथ में, ये सामने। ये वीडियो मैंने दोपहर को बनाई थी और ये मेरे को बहुत अच्छा व्यू लग रहा था देखने में। ये सारा इतना बादल है और ये अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा देखने में। ये तो दोपहर को गई थी मैं बनाने के लिए, और थोड़ी सी बनाई थी, अभी शाम को गई थी, उसकी वीडियो अलग से बनाई है, उसको मैं अभी आगे ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे को व्यू बहुत अच्छा लग रहा दिन वाला, पूरे बादल और ये। तो ये दिन वाली वीडियो मैंने इसमें ऐड कर दी और शाम वाली भी। इस तरफ ईंट का भट्टा लगा दिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा दिया उस तरफ से बंद करके। और ये बैल छोड़े खेतों में, यहाँ पे जो खेत हैं वो इतने बड़े बड़े हैं, नॉर्थ में कम से कम 6 या 7 खेत हैं, उन सबको एक मिला के एक खेत बनेगा यहाँ पे।
चलिए मैं भी ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही हूँ, फिर आपको दूसरे वहाँ पे बना के दिखाऊंगी दूर नज़दीक से। अभी मैं वहाँ जा रही हूँ तो वहाँ पे ले जाती हूँ आपको। आप तक देखिए पहाड़, यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर हर तरफ हरियाली हरियाली है अभी, क्यों अभी बरसात का मौसम है, आप देख सकते हैं। जिस जो नॉर्थ घूम के आया है वो तो ठीक है, जिसने नहीं घूमा है नहीं देखा है वो इस वीडियो में नॉर्थ को साउथ को देख ले। ईट का भट्टा लगा है यहाँ पे, मिट्टी पनी अभी कहाँ से लाई होगी, यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को कहाँ से लाई की है, पर पहले तो इधर थी बोला, अभी बोल रहे यहाँ पे थी। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी का, देखिए एक बचा हुआ है यहाँ पे, देखिए ईट का भट्टा लगा के रखा है। मैं आपको पास जाके दिखाऊंगी, पर कोई हो ना वहाँ पे ऐसे बोलेंगे कहाँ से आगे। ये देखिए ये जितना हाइट में था, अभी देखती हूँ वहाँ जाके। और ये नीम का पेड़ है, और ये भट्टा मैं आगे नहीं जाऊंगी, बहुत क्या पता कोई कुछ बोल ना दे कि क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ये ईट का भट्टा लगा के रखा है इधर, अभी ये देखिए कैसे बनाते हैं इसको। लकड़ी डालते हैं और फिर उनको जलाया जाता है लकड़ी को, फिर वो जब अच्छी तरह पक जल जाती है उसके बाद ये ईंटों को छोड़ देते हैं शायद एक या दो एक दिन के लिए, उसके बाद इनको शिफ्ट किया जाता है। अभी देखिए जो वेस्ट है वो यहाँ पे फेंकी हुई है, देखिए यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है देखने में मेरे को तो। खंबा है यहाँ पे, कल या परसों अजगर निकला था, ये ऊपर जो जंगल है यहाँ से आया था। उस टाइम तो मैं वीडियो बनाना भूल गई, पर उसकी वीडियो है, उसकी वीडियो भी लास्ट में डाल दूंगी, इसमें आप देख लीजिएगा। कम से कम 10 फुट का था शायद, इतना बड़ा था यहाँ पे। ये नीम का पेड़ है, यहाँ पे नीम के पेड़ बहुत ज्यादा है, हर जगह नीम के पेड़ आपको मिल जाएंगे दो दो कदम पे। अब चलिए अभी मैं मेन रोड पे आ गई हूँ, यहाँ पे इस पहाड़ के दूसरी तरफ भी गांव है, गांव है मतलब इससे आगे जाते जाते ही ये ऊपर साइड सब्जी वाला लेकर गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जंगल है, जंगल के पहाड़ है ये पूरा पहाड़ देख सकते हैं आप। यहाँ से इस तरफ से उतर के उस दिन वो अजगर नीचे आया था, और ये पेड़ है ये कांटे वाला पेड़, ये तो हर जगह, ये यहाँ पे हर जगह पे यही मिलेगा। अगर ये बड़ा हो जाए तो बोलते हैं इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, आप देख सकते हैं यही है ऊपर जंगल तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरे वहीं पे है, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वाला ही पेड़ है। और क्या है यहाँ, कड़ी पत्ता है शायद बस। ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, ये ऊपर पहाड़ है, और देख लीजिए आप। मैं ऊपर तो नहीं जाऊंगी पहाड़ पे, क्यों यहाँ से उस दिन अजगर उतर के आया था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऊपर जा सकूं, इसलिए इधर से ही आप देख लीजिए। ये ऊपर को जंगल को जाने के लिए पूरा रास्ता है यहाँ से,
मतलब यहाँ पे जाते हैं लोग लकड़ी लाने, और जो कटहल है, कटहल के पेड़ हैं उधर बहुत सारे बोला, मैं तो नहीं गई हूँ, पर यहाँ पे पेड़ हैं और उसको लाके मतलब ऊपर जाते हैं लेने के लिए और लाके मतलब बेचते हैं। यहाँ पे कटहल की सब्जी नहीं खाई जाती है साउथ में, उसको पका के फ्रूट की तरह खाया जाता है। शायद पका हुआ कटहल होगा, तो मैं आपको उसकी वीडियो जो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक मैं हूँ यहाँ पे, तब तक के लिए ये आप पहाड़ी देखिए, दूसरी वीडियो फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे मतलब नाग देवी है उसका है ये, हाँ वहाँ पे मतलब हमारी नॉर्थ में तो उसको बामी बामी बोलते हैं अभी, पर ये नॉर्थ में इसमें यहाँ पे ये बामी की है, पर इसमें बोलते हैं एक नाग माता है, नाग देवी है मतलब यहाँ पे। और ये है इधर इसके नीम के पेड़ के नीचे है, साउथ में नीम के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है, हर चीज़ में इसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से तो जल्दी चलना चाहिए, कभी निकल ना जाए माता। तो चलिए अब ये वाली वीडियो शाम की है, और जो पहली वाली स्टार्टिंग में वीडियो दोपहर की है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी। गांव का मौसम आपको पता ही है कैसा होता है, मतलब इतना अच्छा मौसम है, शहरों में से कहाँ मिलता है देखने के लिए ऐसा मौसम। गांव में जो चीज़ें, जो हर चीज़ है गांव में ही है, शहरों में कुछ नहीं है, सिर्फ फैसिलिटी है थोड़ी सी हर चीज़ की जो मिल जाती है शहरों में। गाँव में थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता है, बस इतना सा फ़र्क है गाँव में, शहरों और गाँव में। पर जो हरियाली और हर जो चीज़ गाँव में है वो कहीं और नहीं है, शहरों में भी नहीं मिल सकती है। सबसे पहले तो गांव की शुद्ध हवा सिर्फ गांव में मिल सकती है सबसे। पर ये वाला जो व्यू ना दिन वाला, ये तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी अजगर देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ कितना बड़ा है। मैं वहाँ पर थी, गाँव वाले लोग थे, तो आप देखिए कि हाय, मेरे को तो इसको अभी वीडियो देख देखे देखे देखो लकड़ी को कैसे खा रहा है, देखो देखो कितना बड़ा मुंह खोला हुआ है। अभी अगर एक कोई इसको ना देखता, अगर कहीं पहुंच जाता जहां मतलब बैल वगैरह रखे हैं लोग, घरों से दूर बांध के रखते हैं, वहां पे जाता पक्का किसी न किसी जानवर को ये खा लेता। देखिए अभी भी इसने कुछ खाया हुआ, अभी इससे कितना बड़ा लग रहा है, इसको देख के तो वहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। इतना पहली बार देखा मैंने ज़िंदगी में अजगर, वो भी अपनी आंखों के सामने। शाम तो देखे पर अजगर आप लोग भी देख लीजिए वीडियो में, मेरे को अभी वीडियो में देख के डर लग रहा है। अभी ये मतलब जो गांव के लोग इकट्ठा हुए थे ना, इसको बोरी में बांध के जंगल में छोड़ने गए थे, दो आदमी लगे थे उसको उठाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग अजगर देखिए, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। बाय।